हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे किस तरीके से हमने HTML टैग्स में यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हाउ टू ऐड HTML टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मतलब मान लो कि आपके पास कोई पहले से एक HTML पड़ी है, उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो कैसे करोगे, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट इनलाइन यूज़ करनी है। ठीक है, ऑन लोड पे फंक्शन चलाना है, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके इसके अंदर वो फंक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वो फंक्शन। ठीक है, ये रहा मेरा पहला फंक्शन। ठीक है, तो विंडो लोड होगी, मेरा फंक्शन है कि पहले विंडो लोड होगी। ठीक है, ये स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चलेगा ये काम। ठीक है, मैंने क्या किया, जब विंडो लोड होगी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी होता क्या है। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब होता है कि जो आपका डेमो नाम का जो बना हुआ है HTML, उसकी आईडी से डेटा जो भी है उसकी आईडी गेट कर लो, मतलब उसकी जो पेरेंट डिव है उसको गेट कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसकी HTML को क्या किया, उसने चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद आप और चेंज कर सकते हो उसके साथ, प्लस इक्वल टू मीन्स आपने अपेंड करते गए, अपेंड करते प्लस इक्वल टू में आपने डाटा अपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या किया, डेमो किया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, डिव यहाँ पे इसकी आई डी दे देता हूँ डेमो। डेमो आई डी इज इक्वल टू सॉरी डेमो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब जैसे ही हेलो, जैसे ही ये प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड डेमो के अंदर, तो ये मेरी स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। लोड हो जाने के बाद क्या क्या मेरे पास आएगा डेटा, जैसे ही मैंने लोड किया, तो उसके बाद जो उसके इनर एचटीएमएल को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया कंटेंट को, तो जॉन डो आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कहा, इज नॉट अ जॉन विक, सो ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो रिलोड करता हूँ मैं। ठीक है, जॉन डो इज नॉट अ जॉन विक, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट क्या लिखा था, मैंने तो हेलो वर्ल्ड लिखा था। ठीक है, बट मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि HTML अपनी बना के क्या की, ऐड कर दी। मैंने स्ट्रांग क्या है, एक HTML का फंक्शन, HTML का वो सिंटेक्स है, ठीक है, टैग्स है। ठीक है, तो मैंने वो यूज़ किया। ठीक है, एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे होता है हमारे पास कि आपके पास HTML आपने क्रिएट किए है, आपने मतलब एक टैग जो है क्रिएट किया है रन टाइम पे, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वो भी कोड रखा है अपने पास, तो मैं जाता हूँ और पेस्ट इसको कमेंट करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मेरा विंडो लोड होगी तो मैं क्या करूँगा, डेमो नाम की एलिमेंट तो ले ली मैंने, उसके बाद क्या किया, मैंने एक स्ट्रॉन्ग नाम का एलिमेंट क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग एक टैग है, आप पी टैग भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसको क्या किया, मैंने अपेंड चाइल्ड, जो भी हमारे पास डेमो ए है, मतनीस जो भी हमारा डेमो वाला टारगेट है ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्रिएट किया, तो डेमो बी के अंदर मैंने सेज पुट किया, और डेमो ए के अंदर मैंने कौन सा चाइल्ड फेंक दिया है, डेमो बी वाला। तो ठीक है, तो डेमो बी के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक नया एलिमेंट टेक्स्ट नोड क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सारा ये टेक्स्ट लिखा, और इसको डेमो ए के अंदर क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है, जो भी डेमो सी की वैल्यू है, चेक कर लेते हैं कैसे वर्क किया इसने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, डेमो मेरा ये था, ठीक है, डेमो वाला आईडी डिव ये थी। ठीक है, मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने आईडी से उसका डिव एलिमेंट उठा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक एलिमेंट बनाया, स्ट्रांग बना लूँ, पी बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा। इनर एचटीएमएल में क्या होता है कि आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अपेंड चाइल्ड का मतलब होता है कि जो आपने डेमो ए है मेरा ये वाला, उसके अंदर अपेंड चाइल्ड मतलब कि जो भी मेरा डेमो बी की वैल्यू है वो क्या हो जाए, डेमो ए में प्लेस हो जाए। अगर मैं पहले वाला कोड ही चलाता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेमो स्ट्रांग सेज। ओके, तो हमने यहाँ पर डेमो बी में स्ट्रांग ना, तो देख लेते हैं इसको, हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, अपेंड किया है, तो हेलो वर्ल्ड स्ट्रांग के अंदर क्या आ जाएगा, सेज आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रांग के अंदर सेज आ गया। ठीक है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये तो मेरा ये रहा, मैंने इसकी नोट उठाई,
बट मैंने इस बार क्या किया, रिप्लेस नहीं किया इनर एचटीएमएल के साथ, ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, अपेंड चाइल्ड किया है, ठीक है, जो भी मेरे पास डेटा है मैंने अपेंड किया है इस डिव के अंदर, ठीक है। नहीं तो मैं डेमो डेमो अगर मैं डेमो बीट्स, अगर मैं डेमो ए मैंने जैसे सपोज माना है, तो मैंने डेमो ए के अंदर ही इनर एचटीएमएल लिखता तो जाके जो भी होता वो रिप्लेस हो जाता, बट मैंने क्या किया है, एक नई एलिमेंट बनाया है, नई एचटीएमएल बनाई है, जिसको मैंने क्या किया है इस डिव के साथ क्या किया है, उसको ऐड किया, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड बनाई थी, टेक्स्ट नोड के अंदर क्या क्या हुआ कि टेक्स्ट नोड के अंदर आपने एक टेक्स्ट लिखा, कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, डेमो ए के साथ अपेंड कर दिया, और डेटा डेमो सी में जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रन टाइम पे एचटीएमएल क्रिएट भी कर सकते हो, जो एचटीएमएल बनी हुई है उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये डायनेमिक चेंज हो गया, मैंने विंडो लोड की और मेरे को क्या हो गया, रन टाइम पे मेरा डाटा चेंज हो गया, जो मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप HTML टैग्स को यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, और फ्यूचर में आप CSS की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आपको मान लो कि आपने विंडो ओवर लोड किया, आपने कुछ बटन्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद बटन्स दिखाने हैं, ठीक है, उस तरीके की फंक्शनैलिटी भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेन्यूज आते हैं, मेन्यूज को क्लिक करने पे वो ड्रॉप डाउन खुल जाता है, बंद हो जाता है, या पॉपअप पे ओपन होते हैं क्लोज का बटन आ जाता है, वो सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो हम इस वीडियो हम सारी धीरे धीरे सारी वीडियोज में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ है। तो मेरे को इस जो ये वीडियो थी इसके अंदर हमने नई चीज़ सीखी कि ऐड इवेंट लिसनर क्या है, वो फ्यूचर में हम और डिस्कस और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, क्रिएट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, अपेंड चाइल्ड क्या होता है, और क्रिएट टेक्स्ट नोड क्या होता है, ठीक है। तो ये नए कीवर्ड्स हैं। तो ऐड मैं वैसे ओवरथ्रू दे देता हूँ कि ऐड इवेंट लिसनर में एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि लिसन करता है इवेंट को, आपने ऑन लोड करना है, रेडी रेडी पे आपने डाटा लोड करना है, या फिर कुछ इवेंट के बाद लोड करना है, तो आप लगा सो विंडो डॉट ऑन लोड हो गया आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट, जो मतलब किसी भी इवेंट को अपन टारगेट करना है, किसी भी डिव को टारगेट करना है, तो हमेशा उसकी आईडी से टारगेट होगा, ठीक है। बाय क्लास नेम भी होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या कमिंग वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट हम यूज करते हैं किसी भी एचटीएमएल टैग को बनाने के लिए, तो हमने एक एलिमेंट बनाया। यहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट नोड चाहिए तो आपने टेक्स्ट नोड ही बनाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया इसमें सीखी है, ठीक है। तो फ्यू धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को और डिटेल में सीखते जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।